निन्ना निवास सर्ग क्रोमी कीट पतंग त्रियोग योगिन स्थावर आदि जातियों तथा का इस संसार में जैसे भोग होता है उन सबका वर्णन। क्रीमी कीट आदि अति अति मूढ़ जंतुओं का तो जीवन ही दुर्लभ हो जाएगा क्योंकि तात्कालिक दुख शांति का उपाय वहाँ है ही नहीं। उनमें ऐसी शक्ति है नहीं जिसकी वे दुख शांति का उपाय जान सके। ऐसी स्थिति में वे किस तरह जीते हैं यो श्री रामचंद्र जी उनकी संसार स्थिति को जाति प्रसंग से जानने की इच्छा से पूछते हैं। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर हम मनुष्य जाति के लोगों के दुख क्षय के लिए तो शास्त्र सत्संग मंत्र औषधि तप दान तीर्थ तथा पुण्याश्रम में निवास आदि उपाय है, परंतु कृमि कीट पतंग आदि तथा त्रिक स्थावर आदि जो जातियां हैं उनका दुख क्षय किस उपाय से होगा, उपाय के अभाव में उनका जीवन यापन कैसे यानी वे किस तरह सी जी सकते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी इस संसार में जितने भी जीव हैं वे चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो वे सब अपने अपने योग्य भोगों के उचित सुख सत्ता में ही विश्राम किए रहते हैं और उससे अपना अपना जीवन भी धारण किए हुए हैं। इससे निष्कर्ष ये निकला कि तत्त योनियों में भोग्य जो विषय सुख की मात्रा है वही तत्त जीवों का महान पुरुषार्थ है। इसी सुख मात्रा से वे विश्रांति लेते हैं और उसी की आशा से अनेक दुख उजोलते हुए जीते रहते हैं। भद्र छोटे छोटे अणुमात्र जो जीव है उनको भी अपनी योनि के अनुसार हम मनुष्य जाति के लोगों के जैसे ही सुख भोगने की इच्छा रहती है, परंतु हम लोगों को उन भोगों में एक तो आस्था नहीं है और उनको प्राप्त करने में कोई अधिक विघ्न बाधा भी नहीं पहुंचाता। उनको तो मोह काम आदि दोषों की अधिकता के कारण तथा विवेक की मात्रा के अभाव से उन भोगों में अधिक आस्था है और उनको पाने में उन्हें पर्वत के सदस्य बड़े बड़े विघ्नों का सामना भी करना पड़ता है। यदि प्रश्न हो कि भोगों में बहुत आस्था है ये आपने कैसे जाना, तो इसका उत्तर है प्रयत्न की अधिकता। इस आशय से कहते हैं, भद्र जिसका समस्त ब्रह्मांड एक शरीर है वह विराट हिरण्य गर्भ जैसे अपने अधिकार निभाने की अनेक चेष्टाओं के द्वारा सर्वभाग स्वभोगार्थ प्रयत्न करता है, वैसे ही केशों के अग्रभाग के सदस्य देह वाले कृमि कीट आदि भी बालक की मुट्ठी के छेद की अपेक्षा भी छोटे अल्पकाय आकाश में प्रयत्न करते हैं। देखिए तो सही कि किसी अहंकार की महिमा है। एकमात्र शून्य विषय वाले गगन पक्षी निराधार आकाश में उत्पन्न होते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। उन्हीं को कुछ भी विषय नहीं मिलता है, परंतु क्षण भर में वे स्वस्थ नहीं बैठते यानी वे अपने प्रयत्न से तनिक भी नहीं हटते। कण आदि के उपार्जन में पिपली का आदि का अधिक प्रयत्न देखा जाता है। इससे भी अनुमान होता है कि उन्हें भोग की आस्था बहुत है। इस आशय से कहते हैं, भद्र देखिए ग्रास तथा निवास का संपादन तथा कुटुंब पोषण आदि नानाविध चेष्टाओं से यह प्रतीत होता है कि जैसे पिपली का के लिए हमारे दिन जैसा भी दीर्घकाल उनके कर्णोपार्जन प्रयत्न के लिए क्षण के सदस्य पर्याप्त ही नहीं है। भद्र ये एक और नवीनता सुनिए। तिमी नाम का जो अत्यंत छोटा त्रश्रेणु के बराबर का जीव है उनकी गमन में ऐसी व्यग्रता दिखती है जैसी कि गरुड़ की गमन में व्यग्रता दिखती हो। देह में और देह भोग्य वस्तुओं में अहम ममता का अभ्यास मनुष्य और कृमि दोनों को एक सा है, ये कहते हैं श्री राम जी ये वह मेरा है इस तरह कल्पित अध्यास रूप जगत जैसे मनुष्य के लिए अनेक ऊंचे गुणों के कारण अत्यंत आस्था का भाजन है, ठीक वैसे ही कृमि के लिए भी है। विषयों की आस्था के कारण आयु का जो निरर्थक क्षय हो जाता है वह भी हम मनुष्य एवं कीट आदि का समान है, कहते हैं। देश काल क्रिया द्रव्य आदि विषयों की प्राप्ति के निमित्त व्यग्र बुद्धि से जैसे हम लोगों का जीवन निर्जन जर्जर यानी क्षीण हो जाता है, वैसे ही वर्ण कीटों का भी उक्त व्यग्र बुद्धि से जीवन क्षीण हो जाता है। वृक्ष आदि स्थावर जीव कुछ जागते रहते हैं, पत्थर एकदम सोते ही रहते हैं यानी घनी निंद्रा से सोए हुए ही रहते हैं, और कृमि कीट आदि तो
हम मनुष्यों के जैसे अपने अपने उचित विषय भोगों में निद्रा एवं जागरण दोनों से युक्त रहते हैं। शरीर काल में सुखपूर्वक स्थिति ये जो कृमि कीट आदि है उनको भी हम लोगों के सदस्य शरीर विनाश ही दुख पैदा करने वाला है और जीवन शरीर में प्राण स्थिति ही सुख पैदा करने वाला है। हम लोगों के भोग्य घर महल धन आदि को वे कैसे देखते हैं, इसे कहते हैं जैसे बेचा गया पुरुष अन्य द्वीप को उदासीनता से मुग्ध दृष्टि दे होकर देखता है, वैसे ही पशु मृग आदि उनके भोग घर आदि पदार्थों को उदासीनता से मुग्ध दृष्टि से देखते हैं। जैसे मनुष्य जाति के जीवों का संसार सुख दुख देने वाला है, वैसे ही त्रियोग योनि पशुओं को भी है। केवल भेद इतना है कि उत्कर्ष अपकर्ष बुद्धि के कारण गुण क्रिया विभाग के वे नहीं जानते। बचे गए मनुष्य की समानता पशु में बताते हैं। बैल आदि पशु जो जोते नाथे जाते हैं, मन से भीतर भीतर सुख दुख से खींचे जाते हैं और बाहर से नाथ रज्जु के द्वारा नासिका प्रदेश से खींचे जाते हैं। यह दोनों में पराधीनता से खींचे जा रहे भी वे कुछ भी अपना दुख हरने का या प्रकट करने में समर्थ नहीं होते। ठीक उसी तरह के द्वीपांत में बच्चे गए पामर जन गुलाम भी होते हैं इन दिन, इसलिए दोनों की समानता है ही। वृक्ष आदि के सुख दुख के अनुभव की प्रणाली हमारे सुख दुख के अनुभव के अनुरूप ही है, ऐसा उपादान करते हैं। सुकुमार त्वचा वाले हम लोग जब निंद्रा देवी की गोद में अचेत होकर सोए रहते हैं, तब यदि अत्यंत शीत गर्मी मच्छर खटमल आदि हमें तंग करते हैं तो सुख दुख निंद्रा सुख शून्य निंद में हमें जैसे महाक्लेश का अनुभव होता है, वैसे ही महाक्लेश का अनुभव पेड़ पौधे अंकुर आदि को होता है। श्लोक में अंकुर का ग्रहण अति सुकुमार होने के कारण उसे कृमि कीटों आदि के काटने पर अत्यंत क्लेश होता है, वह सूचित करने के लिए कहते हैं। पूर्व में जो ये कहा था कि हम लोगों की भांति ही पशु मृगादि को भी सुख संसार सुख और दुखदायक है, किंतु वे पदार्थों के गुण क्रिया उपयोग इसमें यह गुण है ये इस कार्य के उपयोगी हैं आदि विवेचन से जिससे उत्कर्ष और अपकर्ष का ज्ञान होता है सर्वथा कोरे हैं, इस बात को उपादान के द्वारा अनुभव में चढ़ाते हैं। जैसे देश विप्लव के का समय पलायन द्वारा दौड़ना आदि गति के लिए कुश काटे जली हुई बालू पर चलना बोझ ढोना आदि मुसीबतों पर पड़े हुए हम लोगों को चारों ओर से भय की आशंकाओं से पूर्ण पदार्थ ज्ञान होता है, वैसा ही पदार्थ ज्ञान पक्षी और सर्प आदि त्रिक योनि वाले जीवों को भी सदा होता है। यदि मन विकल्प ज्ञान से शून्य हो तो आहाद स्वरूप आत्मानंद में और भोजन निंद्रा मैथुन आदि से होने वाले सुखों में इंद्र और कीड़े की मन की ही प्रसन्नता रूप सौम्यता एक सी है। केवल विकल्प ही दोनों के लिए इंद्र और कीड़े के लिए हिमालय के समान अलंग्य है। रग द्वेष भय आहार और स्त्री संगति जनित सुख और दुख तथा जन्म मरण के समय होने वाले क्लेश इंद्र और कीड़े का समान है, इसमें तनिक भी अंतर नहीं है। शास्त्र वेद पुण्य पाप ब्रह्म तत्व आदि तथा अतीत और भावी पदार्थों के सिवा शेष ज्ञान नेवला साप सियार हाथी आदि को शास्त्र गम्य धर्म अधर्म आत्मतत्व अतीत गमन अनागत आदि पदार्थों का ज्ञान नहीं होता मनुष्य को हो सकता है। इसी से इसके अतिरिक्त ज्ञान जैसा मनुष्य को है वैसा ही नेवला आदि को भी है, तो पर्वत आदि कैसे अनुभव करते हैं। इस आशंका पर कहते हैं गाढ़ निंद्रा वाले सुसुप्ति में स्थित वृक्ष आदि की अत्यंत मूढ़ भाव से जो अपने में स्थित है उसका पाषाण आदि अचल पदार्थ अनुभव करते हैं, और जो हिमालय सुमेरु आदि तत्वज्ञानी पर्वत हैं वे तो अखंड चिदाकाश का अनुभव करते हुए सदा समाधि में स्थित है। इस प्रकार न तो वृक्ष आदि जीवों की सृष्टि से जगत की कल्पना हो सकती है क्योंकि वे गाढ़ निंद्रा में मग्न है, न पर्वत आदि जीवों की दृष्टि से जगत की कल्पना हो सकती है क्योंकि वे
आत्मसत्ता में स्थित है। जंगम जीवों में भी तत्वज्ञानियों की दृष्टि से जगत की कल्पना नहीं हो सकती, कारण वे तो चिदाकाश स्वरूप ही है। हाँ, कुछ अज्ञानी जंगम जीवों की दृष्टि से जगत की कल्पना हो सकती है, किंतु उसकी ही दृष्टि उक्त बहुत से लोगों की दृष्टि से विरुद्ध जगत सत्ता की सिद्धि नहीं कर सकती। इस आशय से कहते हैं, वृक्ष आदि गाढ़ निंद्रा में है और पर्वत आदि अपनी सत्ता में स्थित है। जो जंगम जीव है वे भी सुसुप्ति मरण मूर्छा मोक्ष आदि अवस्थाओं में चिदाकाश रूपी है। जंगम जीवों में से किन्हीं को कभी स्वप्न में अर्ध विकास से और कभी जागृत अवस्था में पूर्ण विकास से भासमान भी जगत बहुतों की दृष्टि से अनुरोध से चिदाकाशी है। जो पर्वत आदि की सत्ता और जो वृक्षों की निंद्रा है वह द्वैत ज्ञान विहीन है होने के कारण अखंड चिद्रूपी है। इसलिए उनकी दृष्टि से जगत एक अखंड अज्ञान उपहित चिन्मात्र ही है। औरों की दृष्टि से ही आत्मतत्व जब एक परिज्ञान न हो तभी तक जगत है। आत्मतत्व का परिज्ञान होने पर तो न तुम हो न मैं हूँ, न जगत सत्ता ही है न असत्ता है और न जगत का प्रागभाव ही है, यानी किसी कोटि में जगत की स्थिति नहीं है। शिला के समान ठोस शांत अपने स्वरूप से अच्युत उत्पत्ति नाश से रहित निर्दोष ब्रह्म ही एक सब कुछ है। वह जैसे निंद्रा आत्मा में ही स्वप्न जगत वैचित्र्य की कल्पना करती है, वैसे ही अज्ञानियों की दृष्टि से अपने में ही जगत जगत चैत्र की कल्पना कर रहा है। वास्तव में वह निर्विकार है, परमार्थ दृष्टि से तो सद ही एक रूप है। ये कहते हैं, सृष्टि के पहले सृष्टि आदि जगत जैसे एक रूप ही स्थित था, वर्तमान काल में भी वैसे ही स्थित है और आगे भी अनंत काल तक वैसे ही स्थिर रहेगा। सच्चित आनंद रूप उसके आत्मत्व आदि भेद भी नहीं है, क्योंकि कोई व्यावर्त नहीं है। फिर और दोष क्यों कर होंगे। ये कहते हैं, न तो आत्मता है न परता है न जगता है न मौनता है न मौनिता है, बहुत क्या कहे, उस सद्रूप में कुछ भी उत्पन्न नहीं है। आप अपने स्वरूप में ही स्थिर रहिए, मैं भी अपने स्वरूप में ही स्थिर हूँ। परमाकाश में सुख और दुख का नाम नहीं है और पराकाश ब्रह्म प्रकाश के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। जरा बताइए तो सही, स्वप्न नगर में परम आकाश को छोड़कर क्या है? निर्मल निर्विकार शांत चिदाकाश ही तो स्वप्न कर रहे, केवल अज्ञान ही उसमें भ्रांति उत्पन्न करने वाला है। जब परम ब्रह्म का परिज्ञान हो जाने जो हो जाता है तब अज्ञान का भी नहीं कहीं पता नहीं रहता। जब जगत रूपी स्वप्न का ज्ञान हो जाता है तब उसमें कुछ भी सत्यता नहीं रहती। जगत के प्रति आसक्ति वंद्यापुत्र में रह स्नेह करने के सदस्य ही उपहासप्रद है। स्वप्न काल के ज्ञात होने पर प्रत्येक अणु में जगत स्वप्न की संभावना होती है, किंतु प्रबोध अवस्था में जिसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता उसकी क्या तो उपाय देता है और क्या उसका आदर किया जाए। जिस वस्तु की प्रबोध अवस्था में कुछ भी सत्ता नहीं है वह अबोधावस्था में ही कहीं पर नहीं है। जो अप्रबोध अवस्था में उसकी प्रतीति होती है वह अज्ञता ही है, यथार्थ अज्ञान ही उसकी प्रतीति के रूप से प्रसिद्ध होता है। न तो वर्तमान सच है, न भविष्य सच है और न भूतकाल ही सच है, न अज्ञान सच है और न उनका ज्ञान सच है। ये सब वस्तुएँ अज्ञानवशी प्रतीत होती है, वास्तव में कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में मिथ्या देह आदि के मिथ्या शत्रुओं द्वारा नष्ट किए जाने पर भी उन दोनों के अधिष्ठान रूप आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। कहते हैं, जैसे एक तरह के आधार से दूसरी लहर, एक लहर के आघात से दूसरी लहर के छिन्न भिन्न होने पर जल की कुछ हानि नहीं होती, वैसे ही एक देह से दूसरी देह के नष्ट हो जाने पर चित्त की भी क्षति नहीं होती है। आकाश रूप चित्ति में ही देह ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान ही पैदा होता है, जैसे अज्ञान ऐसी अवस्था में भ्रमात्मक ज्ञान रूप देह के नष्ट होने पर क्या नष्ट हुआ। ज्ञान घन चिदाकाश ही स्वप्न जगत रूप से प्रसिद्ध है, चूंकि ये जगत स्वप्न जगत के समान पृथ्वी आदि से शून्य है, इसलिए स्वप्न रूप है। पूर्व
चित्त के स्वप्न से सृष्टि के आदि में पृथ्वी आदि पदार्थ बुद्धि का उदय हुआ। स्वप्न के पदार्थ में सत्यता बुद्धि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। इस प्रकार पूर्व से पूर्वोत्तर अनादि प्रवाह रूप स्वप्न के अवयवों में मूढ़ों से सत्य पृथ्वी आदि की कल्पना ऐसी ही कर डाली जैसे कि आधुनिक असत्य वस्तु में सत्य कल्पना की जाती है। वह भ्रांति वैसी ही ब्रह्म बुद्ध मूल हुई कि निपट असत्य होती हुई भी परम सत्यता को प्राप्त हो गई। किंतु परम सत्य चित्त तो अत्यंत निर्मल है, उसमें जड़ता रूप मल का रति भर भी संबंध नहीं है। असत्य स्वरूप जगत भ्रांति को मूढ़ों ने अपनी कपोल कल्पना से सत्य भी मान लिया है। यो ईव से सत्य से उपामित कर उपमा द्वारा भ्रांति कल्पना में सत्यार्थ कल्पना की समानता दिखलाई। वह तभी संभव हो सकती है जब पहले सत्य पदार्थ रहे हो, उसका अनुभव भी हुआ हो और इस समय उसका स्मरण करता भी हो। दूसरी हालत में ये संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप से अच्युत अच्छिदानंद स्वरूप सर्वव्यापक ब्रह्म ही स्थित है। सत्यता रूप पृथ्वी आदि कुछ भी पहले कभी नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में जब उसके अनुभव की सर्वथा असिद्धि है, तब उसका स्मरण करने वाला या विस्मरण करने वाला भला कौन होगा। तब असत्य पदार्थ में अत्यंत अप्रसिद्ध सत्यता की समानता का प्रतिबोधक क्या होगा। ऐसी आशंका पर स्वयं प्रकाश सत्य स्वरूप का ज्ञान ही असत्यत्व में असत्यत्व के सादृश्य का प्रतिबोधक है, ये कहते हैं। यथार्थ रूप चिदानंद रूप ब्रह्म मात्र विषयक ज्ञान ही जगत में सत्य में सत्यत्व की समानता का प्रतिबोधक है। अतः एवं तत्व का परिज्ञान ही आवरण रूप अज्ञान कपाट तथा विक्षेप रूप जगत सत्यता भ्रांति कपाट का उद्घाटन है। ज्ञान के कार्य के साथ ज्ञान का नाश होने पर चिन्मात्र शेष रहने से पृथ्वी आदि किसी का कहीं पर असंभव नहीं है। जो चेष्टा जो दृष्टा है तथा दृश्य है वह सब पूर्वोक्त परिश्रेष्ठ चैतन्य मात्र विशुद्ध शिव ही है। जैसे दर्पण में निर्मित हुए बाहरी बिंब से भीतर प्रतिबिंब की प्रतीति होती है, वैसे ही निमित्त भूत प्रतिबिंब के बिना ही अपने आप चिदाकाश में प्रतिबिंब जगत कहीं प्रतिबिंब के बिना ही अपने आप चिदाकाश में प्रतिबिंब जगत प्रतीत होता है। दर्पण के दृष्टांत से विक्षिप्त विवक्षित अंश को कहते हैं। जैसे दर्पण में अंदर दिख रहा भी बिंब वास्तव में कुछ नहीं है, वैसे ही चिदाकाश में प्रतीत हो रहा भी विश्व परमात्र दृष्टि में कुछ भी नहीं है, जो वस्तु शास्त्रीय विचार से प्राप्त होती है, जिसकी स्थिति प्रमाण रूप कसौटी से प्रमाणित है, वही सत है। उससे अन्य तो प्रतिभास मात्र है। वह तीनों कालों में सत्ता शून्य है, न भूतकाल में है, न वर्तमान में है और न भविष्य में भी होगा। भला वह सत कैसे हो सकता है? यदि जगत सत असत है तो वह व्यवहारार्थ किया क्रिया के योग्य कैसे है? इस शंका पर कहते हैं, कुछ ब्रह्मात्मक वस्तु भी अर्थ क्रियाकारी देखी जाती है। जैसे स्वप्न स्त्री असत्य होती हुई भी मनुष्य की सत्य वीर्य विसर्जन रूप अर्थ क्रिया करती है। अहम आदि जगत की ही शोभा प्रतिभासी की ही है, अन्य प्रकार की नहीं है। जो जगत का भान है वह आत्मस्वरूप चैतन्य का प्रकाश ही है, अन्य नहीं है। उस भान का व्यावर्त दृश्य रूप यदि भान से पृथक माना जाए तो शून्य ही ठहरेगा, यानी भान रूप माना जाए तो भान का व्यावर्तक न होने से चिदाकाश रूप ही होगा। इस प्रकार विचार करने पर जगत का कुछ भी सिद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में कहाँ मैं हूँ, कहाँ विश्व शोभा है, कहाँ आप हैं और दृश्य दृष्टिया ही कौन है? इस राम जी उदारमति आपकी जो पूर्वोक्त विज्ञान रूपी से चिन्मात्र स्वरूप है, देह के विनाश से मरकर किस फिर अन्य देह की उत्पत्ति से उत्पत्ति है, यानी मुक्ति नहीं है तो क्या हानि हुई? क्योंकि दुख गंध विहीन निरतिशयानंद रूप
चैतन्य का नाश और उत्पत्ति से तनिक भी स्पर्श नहीं है। यदि मरकर पुनः उत्पत्ति नहीं होती, मुक्ति होती है, तो अभी सर्व प्रपंच का उपशमन ही है। इसलिए उक्त दोनों ही पक्षों में तनिक भी दुख की प्राप्ति नहीं है। तब मूर्ख को मरण और जन्म में क्यों कर दुख प्राप्त होता है? ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उसके प्रति उस दुख प्राप्ति का मूर्ख को ही अनुभव होता है, ऐसा कहते हैं। मूर्ख को जिस प्रकार का दुख होता है उसे मूर्ख ही जानता है, वह हम लोगों की जानकारी के बाहर की बात है। देखिए ना, जिसे मृग तृष्णा रूपी नदी के जल में मैं मछली हूँ यूँ अपनी मछली रूपता का अनुभव होता है, वही तो उसकी मृग तृष्णा रूपी नदी की चंचल लहरों का लहराना जानेगा। किंतु जिसे मृग तृष्णा नदी की भ्रांति नहीं है वह कैसे जानेगा? तत्वज्ञ की दृष्टि से तो केवल चिदाकाश ही तुम मैं आदि रूप संपूर्ण जगत बनकर प्रकाशमान होता है। देखिए ना, आत्मा ही डालियाँ, उनकी चोटियाँ, उनकी टहलनियाँ, उनके पत्ते और फूलों के रूप धारण द्वारा संकल्प वृक्ष बनकर मनोराज्य में प्रकाशमान होता है। निन्ना निवास सर्ग समाप्त।